तकदिन तकरदिन दूम वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ बच्चों की खपत। मैं हूँ टिक्की और मैं हूँ निकी। अच्छा बताओ निकी, ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी बॉडी नहीं होती और नोज यानी नाक भी नहीं होती? बॉडी नहीं होती और नोज भी नहीं होती। नोबडी नोज। और इसी के साथ हमारे आज के कॉलर तैयार हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं। हेलो देयर, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम अर्जुन है। हेलो अर्जुन, वेलकम टू टिक्की निक्की शो। अर्जुन, आप कितने साल के हो? मैं 6 साल का हूँ। जितनी होती है गिटार में तार, उतनी एज है अर्जुन की। अच्छा अर्जुन, तुम्हारा क्या सवाल है? ये पाइजिस क्या होता है? बहुत बढ़िया। और टिक्की, क्यों ना हम पायरेट के शिप पर जाकर ही पायरेट के बारे में जानें? हाँ, अच्छा आइडिया है, फिर तो बहुत मजा आएगा। तो चलो चलते हैं। आज हमें पायरेट के शिप पर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अभी तो हमें अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि पायरेट होता क्या है। ओ हाँ, फिर ठीक है। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा। होता है समुद्री लुटेरा। और वो जगह जगह जाकर डालता है डेरा। पायरेट की लंबी मूंछ और दाढ़ी भी होती है, जिसमें धूल बड़ी इतनी सारी भी होती है। पायरेट एक बहुत बड़ी टोपी भी पहनता है और उसके साथ एक आंख पर आई पैच लगा कर रखता है। गाल पे होता है इसके एक मस्सा और हाथ पे होता है इसके एक निकी, चलो मिस्टर पायरेट से कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो मिस्टर पायरेट, आप कहाँ से आए हैं? मिस्टर पायरेट, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप क्या खाते हैं? एक ही सवाल का सही जवाब नहीं दिया। चलो मिस्टर पायरेट से 2 सवाल और पूछते हैं, और मुझे पता है कि वो इन 2 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देंगे। मिस्टर पायरेट, लेटर क्यू के बाद कौन सा लेटर आता है? बिल्कुल सही। और लेटर एस से पहले कौन सा लेटर आता है? ये भी बिल्कुल सही। अच्छा मिस्टर पायरेट, हमारा स्टूडियो जाने का टाइम हो गया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय बाय। मिस्टर पायरेट से मिलकर बहुत मजा आया। हाँ, उनके शिप पर बैठ के समुद्र की सैर करने पर भी। अच्छा बताओ टिक्की, पायरेट का फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सितार। अच्छा, और पायरेट का फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है?
अनार। और आज का शो हम इसी के साथ खत्म करते हैं। अगले वीक फिर से मिलेंगे। बाय बाय।